उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा के मोरी ब्लॉक में ओसला तालुका और इसके नजदीक पड़ने वाले गांव 21वीं सदी में भी सड़क की आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि जान जोखिम में डालकर अभी भी पगडंडी और चार फूटी उबड़ खाबड़ रास्ते में बीमार गर्भवती महिला को घोड़े खच्चर में लादकर कोसों मील दूर अस्पताल लाना पड़ता है। ये विडंबना है या फिर सरकारी चुने हुए नुमाइंदों की अनदेखी जो कि लोग आज भी भुगत रहे हैं। मोरी में तालुका और ओसला तक का सफर जोखिम भरा है। बात ओसला, गंगाड़, दाथमीर, कलाप, नुराणु, क्लीच, भुटाणु, खेड़मी, सबरडिया की हो, सड़क को लेकर अभी भी दशा खराब है। वहीं स्थानीय ग्रामीण विजय सिंह ने बताया कि यहां गर्भवती महिलाओं की पीड़ा और बीमार होने की दशा में बीमार को या तो कंधों में बिठाकर या फिर घोड़े खच्चरों पर लादकर ले जाना पड़ता है। वहीं ग्राम प्रधान खेड़मी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि सरकारों ने यहां के संवेदनशील इलाकों की अनदेखी की है और अगर इसकी चिंता होती तो आज तक 50% सड़कें गांव तक पहुंच जाती। लेकिन हकीकत ये है कि सड़कों के अभाव में लाचार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ने को मजबूर हैं। मोरी विकास खंड के तालुका ग्राम पंचायत से ओसला ग्राम पंचायत से तालुका लाने का जो महिला का जो लड़कों ने जो कार्य किया, मैं लड़कों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीडिया जिला उत्तरकाशी मीडिया प्रधान संगठन के मीडिया प्रभारी के नाते, और इस पर प्रश्न उठना लाजवाब है क्योंकि जिन भावनाओं के साथ उत्तराखंड अलग हुआ था, आज उत्तराखंड बन के लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और वो बात आज ओसला ढाटमीर की नहीं है, बात आज भूटाणु की नहीं है, बात आज सिकतुर पोखरी की नहीं है, बात आज खेड़मी की नहीं है, और बात करें पुरोला सरबड़ियार क्षेत्र की नहीं है। तो ये तमाम जो गाँव हैं वो सड़क से जो भीन है, ये कब तक गर्भवती महिलाएं और बीमार जो व्यक्ति है कब तक अपनी चिलगारियों से पहाड़ों को जगाते रहेंगी और पगडंडियों पे दम तोड़ती रहेगी। जिला प्रधान संगठन उत्तरकाशी जनपद की ओर से मीडिया प्रभारी की ओर नाते मैं सरकार को आगाज करना चाहता हूँ और इस बात से संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम जो सड़क विहीन जो ग्राम पंचायतें हैं, कम से कम इस डिजिटल इंडिया में अभी भारत सरकार की एक गाइडलाइन के अनुसार हर गांव पानी, हर घर नल, हर घर जल और हर गांव सड़क, अगर यह संज्ञान हमारे परिवहन निगम के हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो मंत्री है वो भी अगर इनका संज्ञान ले, और पहले तो मैं उत्तराखंड के जो माननीय मंत्री परिवहन के जो है, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ जनपद उत्तरकाशी की ओर से कि ऐसी पगडंडियों पे जो दम तोड़ने वाले तीमारदारों और मरीजों को जब तक इनका संज्ञान और गर्भवती की जो महिलाएं चिलगारियां जो पहाड़ जो किलकिलाते कर सुनते हैं, जो ऊंची ऊंची घाटियों पर जो लड़के जो अपने कंधों के ऊपर और खटियों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर जो भी मुश्किलें हो सकती है, आदमियों का बचाने का जो पुण्य कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ किसी पुण्य से कम नहीं है। भले ही राज्य सरकार प्रदेश के गांव को सड़क से जोड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है और जिले के कई गांव सालों से सड़क की राह देख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।